नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। विशेषज्ञ ने भारत चीन के बीच व्यापार संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ने का किया दावा। भारत चीन के बीच उत्पन्न हुए विवाद के बाद द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही थी, मगर अब विशेषज्ञों की माने तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ज्यादा से ज्यादा स्थिति बिगड़ी तो आगे जाकर के द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों पर असर देखा जा सकता है, मगर फिलहाल इस बात का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी गलत होगा। भारतीय निर्यात संगठनों का संघ के अध्यक्ष एस के सराफ ने भी यह कहा है कि भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए वाकया के बाद मुझे नहीं लगता कि सीमा पर दोनों देश के बीच मौजूदा तनाव को लेकर द्विपक्षीय व्यापार रिश्तों पर फिलहाल कोई भी खासा असर पड़ने वाला है। दोनों देशों की कंपनियों के लिए एक दूसरे के बाजार में व्यापक मौके हैं। भारतीय निर्यातकों के बीच भी चीन बड़ा बाजार है, वहीं फिलहाल पड़ोसी देश को भी निर्यात बढ़ाने के उपाय पर गौर करने की जरूरत है। कैट ने की चीनी कंपनियों को दिए ठेके को कैंसिल करने की अपील। गलवान घाटी में बीते दिन भारत और चीन के बीच हुए वाकया के बाद फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कड़ी निंदा की है, जिसके तहत कैट ने कहा है कि देश के व्यापारी लद्दाख में LAC में हुए वाकया के बाद बेहद ही निंदनीय है, जिसको देखते हुए अब चीनी उत्पादों को पूरी तरीके से बंद और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने की मुहिम को और जोर शोर से शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार से यह भी आग्रह किया गया है कि चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके को तुरंत बंद किया जाए और भारतीय स्टार्टअप में चीनी कंपनियों द्वारा निवेश को वापस करने के नियमों को बनाने जैसे कुछ कदम उठाए जाए ताकि चीन को मिल रही बेवजह हिम्मत ना मिले। इसके साथ ही कैट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भारतीय और फिर राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि हाल ही में जो हुआ है और भारत के प्रति चीन के लगातार रवैये को ध्यान में रखते हुए भारत व्यापारियों ने अपने एकमत होकर यह संकल्प लिया है कि चीन आयात को कम करके चीन को एक बड़ा सबक सिखाया जाना बेहद जरूरी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन निकले कोरोना पॉजिटिव। COVID-19 जैसे जैसे आम नागरिकों के बीच में लगातार पैर पसारता जा रहा है, वहीं अब इसके चपेट में स्वास्थ्य विभाग भी आने लगा है। बीते दिन राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी COVID-19 की चपेट में आ गए हैं। खबरों की माने तो उन्हें काफी दिनों से उनकी तबियत ठीक नहीं चल रही थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आशंका के आधार पर उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में सत्येंद्र जैन शामिल थे, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ भी उन्हें कई सारी बैठक भी हुए हैं, जिसके बाद अब इन सभी नेताओं को आइसोलेशन में रहने की नसीहत दी गई है। साथ ही सभी लोगों का COVID-19 की जांच करवाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। सत्येंद्र जैन से पहले अब तक आपके 4 विधायक भी COVID-19 पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। कालकाजी से विधायक अतिशी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं करोलबाग के विधायक विशेष रवि और पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद भी COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख सीमा पर सेनाओं के बल को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुए वाकया के बाद जान गंवाने वाले सेना कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि जिन भी सेना कर्मियों ने देश के नाम पर अपनी जान दी है, उनकी जान व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों ने सदैव अदम्य साहस का परिचय दिया है। भारतीय जवान ने संकल्पता पूर्वक भारत की संप्रभुता की रक्षा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने जान गंवाने वाले सेना कर्मियों के परिजनों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने आगे कहा है कि जिन भी सैनिकों ने बीते दिन अपनी जान गंवाई है, उनका देश के लिए प्यार व्यर्थ नहीं जाएगा। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है और आगे भी हम शांति के साथ ही आगे बढ़ेंगे। 5 जुलाई तक फास्टैग लगवाने और पैन कार्ड अपडेट करवाने का काम नहीं किया तो पड़ेगा महंगा। सरकार ने टोल प्लाजा पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतार को ध्यान में रखते हुए फास्टैग को 1 दिसंबर 2019 से ही लागू कर दिया था, जिसकी मदद से समय में बचत तो होती ही है, साथ ही साथ लंबी लंबी कतारों में खड़े होने से भी आम नागरिक साफ तौर पर बच जाते हैं। मगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फास्टैग को अपडेट नहीं करवाया है, जिसके बाद अब सरकार ने SBI फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे सभी लोगों को अल्टीमेटम देते हुए 5 जुलाई तक इसके अपडेट करवाने का आखिरी मौका दिया है, जिसके तहत SBI ने अपने सभी ग्राहकों को मैसेज भेजते हुए साफ कर दिया है कि अपने अकाउंट में पैन कार्ड की फोटो को अपडेट करवा ले। जो भी कस्टमर 5 जुलाई 2020 तक पैन कार्ड को अपडेट नहीं करेगा, वह उसके बाद फास्टैग को रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने सभी आम नागरिकों की सहूलियत के लिए आधिकारिक वेबसाइट fasttag.onlinesbi.com जारी कर दिया है, जहां जाकर के सभी लोग जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में फिर से लॉकडाउन नहीं होने का किया दावा। बीते कुछ दिनों से मीडिया में ऐसी खबरें सुनने में आ रही थी कि शायद COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से लॉकडाउन का आह्वान कर सकते हैं, मगर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इन बातों को खारिज करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन दोबारा लागू नहीं होगा। आपको बता दें, इस बात के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के दूसरे दिन दे दिया था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि देशवासियों के संयम, प्रशासन की तत्परता और COVID-19 का सामना कर रहे सभी स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के समर्पण की वजह से देश में हालात नियंत्रण में है और बंद के दबाव को मन में बाहर निकालना होगा और हमें अनलॉक का फेज 2 ढूंढना होगा। उसी दिशा में
में कदम आगे बढ़ाने होंगे। इतना ही नहीं, अनलॉक के दूसरे फेज में प्रतिबंध कम तय किए जाएंगे, गतिविधियां भी बढ़ाई जाएंगी। आर्थिक तौर से चीन को लगा एक और झटका। बॉर्डर पर भारतीय सेना के साथ हुए वाक्या के बाद अब चीन को एक और झटका लगा है। आर्थिक रूप से चीन को उसकी हरकतों के लिए सबक सिखाने की शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के सरकारी टेलीकॉम कंपनियों ने किसी भी चीनी कंपनी के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला सुना दिया है, जिसके तहत भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर के लिए भी हुवाई और ZTE जैसे चीनी ब्रांड से दूर रहने का नियम बनाया जा सकता है, जिसके बाद चीन को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। BSNL और MTNL ने साफ तौर पर कहा है कि अपने स्टैंडर्ड में बदलाव करें। आपको बता दें, भारतीय टेलीकॉम इक्विपमेंट का एनुअल मार्केट 12,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से एक चौथाई हिस्सा चीन का भी है। बाकी में स्वीडन की एरिक्सन, फिनलैंड की नोकिया और साउथ कोरिया की सैमसंग शामिल है। सिर्फ BSNL ही नहीं बल्कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन भी चीन के इन दोनों कंपनियों के साथ काम कर रही है। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया भारत। भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है, जिसके तहत भारत अब 2021 और 22 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च संस्थान का अस्थायी सदस्य के रूप में पहचाना जाएगा। खबरों की माने तो अस्थायी सदस्य बनाने के लिए भारत को 192 में से 184 देशों ने समर्थन दिया था, जिसके बाद इस बात की जानकारी संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधि PS त्रिमूर्ति ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा की है और बताया है कि सदस्य देशों ने भारत को भारी समर्थन देते हुए 2021-22 के लिए UNSC का अस्थायी सदस्य चुन लिया है। इससे पहले भारत 1950 में अस्थायी देश के रूप में चुना गया था। वहीं अब 8वीं बार जिम्मेदारी भारत को मिल गई है। भारत के साथ आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे को भी यह सदस्यता हासिल हुई है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी दूतावास ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। COVID-19 संक्रमितों की पहचान के लिए सरकार बढ़ाएगी अब जांच का दायरा। देश में लगातार बढ़ रहे COVID-19 के मामलों को ध्यान में रखते हुए भारत में अब COVID-19 के जांच की क्षमता बढ़ाए जाने पर सोच विचार किया जा रहा है, जिसके तहत अब पूरे देश में COVID-19 रैपिड जांच करवाया जाएगा, जिसके तहत सरकार अब पता लगाने, ढूंढने और उपचार करने वाले फॉर्मूले का प्रयोग करने वाली है, जिससे कि COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। क्योंकि बीते दिन ऐसा पहली बार देखा गया है जब 24 घंटे में COVID-19 से जान गंवाने वालों की संख्या पहुंचकर 2000 पर पहुंच गई है। इससे पहले हर दिन तक 200 से 300 के बीच में जान गंवाने वालों की संख्या दर्ज की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ही सरकार का सारा ध्यान जान गंवाने वालों की संख्या कम करने पर था, लेकिन मामलों में दूसरी ओर बढ़ोतरी हो रही थी, उसे देखकर ही सरकार ने यह निर्णय लिया है। वहीं देश में हर एक संक्रमित व्यक्ति की पहचान करेगी, साथ ही यह सुनिश्चित करने जा रही है कि देश में कोई भी COVID-19 प्रभावित व्यक्ति इलाज से वंचित ना रह जाए। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद एकता कपूर के खिलाफ उठाए गए कदमों पर एकता ने दिया जवाब। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ले ली थी, जिसके बाद बॉलीवुड को लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने में आ रही थी। वहीं लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए कई फिल्म मेकर्स और फिल्मी सितारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की बात भी कही है। इतना ही नहीं, कई फिल्मी डायरेक्टर्स और कलाकारों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवा दिया गया है, जिसके बाद अब एकता कपूर ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुशांत को काम नहीं देने के लिए जिसने भी मामला दर्ज किया है उसके लिए शुक्रिया, वह भी तब जब मैंने ही उन्हें लॉन्च किया था। इस तरह की थ्योरी किस हद तक जा सकती है यह देखकर मेरी उदासी कहीं ज्यादा हो गई है। प्लीज परिवार और दोस्तों को शांति से थोड़े समय तो रहने दो, सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। इन लोगों में डायरेक्टर करण जौहर, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर समेत सलमान खान का नाम भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में ममता बनर्जी नहीं हुई शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंद के मुद्दे पर बीते दिन जारी किए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी। सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार के किसी प्रतिनिधि ने भी इस बैठक में हिस्सा लेना जरूरी नहीं समझा। हालांकि बैठक में शामिल नहीं होने के कारणों का ब्यौरा देते हुए ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल होने के बजाय राज्य में COVID-19 की स्थिति पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक के बाद बनर्जी ने मीडिया से कहा कि हो सकता है कि केंद्र सरकार की हमें बुलाने की इच्छा ही ना रही हो, लेकिन उन्होंने हमें बैठक में बोलने का आमंत्रण नहीं दिया था। राज्य में COVID-19 से निपटने के लिए उनकी समीक्षा बैठक ज्यादा जरूरी है। केंद्र सरकार बैठी है लेकिन लोगों की जरूरतों को समझने के लिए जमीनी स्तर पर बैठक कर रही है। रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि पर पूरे देश ने किया उन्हें याद। आज रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि है, जहां पर पूरे देश समेत बड़े बड़े राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत से डटकर सामना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई को उनके पुण्यतिथि पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने असाधारण वीरता और साहस से राष्ट्रभक्ति का नया अध्याय लिखा था। वह नारी शक्ति और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध डटकर खड़ी हुई थी। ऐसी महान वीरांगना को कोटि-कोटि नमन। सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश राज के खिलाफ डटकर खड़ी हुई थी। हम दमनकारी ताकतों के खिलाफ खड़े होने में लाखों भारतीयों को प्रेरित करने के लिए उन्हें हार्दिक श्रद्धा
श्रद्धांजलि देते हैं। आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई ने महज 29 साल की उम्र में अंग्रेजी सेना से जद्दोजहद की थी, जहां उन्होंने अंग्रेजी बल को धूल चटा दी थी। बिहार के 9 MLC सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज से हुई शुरू। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण जहां विधान परिषद की 9 सीटें अभी तक खाली पड़ी हैं, वहीं अब जल्द से जल्द इस पर चुनाव करवाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार की 9 विधानसभा सीटों पर आज से MLC प्रत्याशी अपना नामांकन दर्ज करवा सकेंगे, जिसके बाद 6 जुलाई को चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। खबरों की माने तो बिहार के सभी MLC कैंडिडेट को 25 जून तक अपना नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी गई है। हालांकि अभी तक बिहार के किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने MLC प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं नाम लेने की अंतिम तारीख 29 जून तक तय कर दी गई है। वहीं यह भी साफ कर दिया गया है कि विधान परिषद के लिए वोटिंग 6 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और उसी दिन शाम को नतीजे की घोषणा की जाएगी। कपिल देव की बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे के सभी खिलाड़ी रह गए थे दंग। आज ही के दिन कपिल देव ने जिम्बाब्वे की टीम को अपने बल्लेबाजी से खिलौना बनाकर रख दिया था, जब उन्होंने वर्ल्ड कप में अकेले अपने दम पर 175 रन की शानदार पारी खेली थी। आपको बता दें, 18 जून को ही 37 साल पहले 1983 वर्ल्ड कप के दौरान कपिल देव ने 175 रन की शानदार पारी खेली थी। यह वनडे क्रिकेट में किसी भारतीय का पहला शतक था। इतना ही नहीं, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी कपिल देव के नाम दर्ज है। उनकी इस पारी को आज भी याद किया जाता है और उनके फैंस काफी ज्यादा उत्साहित भी होते हैं। हालांकि कपिल देव की उस ऐतिहासिक पारी को सिर्फ वही लोग देख पाए थे जो उस वक्त स्टेडियम में मौजूद थे, क्योंकि इस मैच का कभी भी लाइव प्रसारण हुआ ही नहीं। आपको बता दें, 1983 में खेले गए वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम के सुनील गावस्कर और कृष्णकांत की सलामी जोड़ी बिना किसी रन बनाए पवेलियन वापस लौट गई थी। विकेट लगातार गिरते जा रहे थे, जिसके बाद भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ गई। और वहीं जब कप्तान कपिल देव मैदान में उतरे तो उन्होंने लगातार 138 गेंद में नाबाद 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 6 चौके जड़े थे। ट्विटर के खास फीचर से आसानी से अब बोल कर किया जा सकता है ट्वीट रिकॉर्ड। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपने iOS यूजर के लिए बेहद ही खास फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम वॉइस फीचर रखा गया है। इस फीचर के जरिए अब सभी ट्विटर यूजर अपने आवाज की मदद से ट्वीट को रिकॉर्ड कर सकेंगे, साथ ही इससे यूजर का काफी समय भी बचेगा। हालांकि कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि कब तक इस फीचर को एंड्रॉइड यूजर के लिए जारी किया जाएगा, जिसकी जानकारी कंपनी ने ट्वीट करके दे दी है और लिखा है कि हमने वॉइस फीचर को फिलहाल iOS यूजर के लिए जारी कर दिया है। यूजर 140 सेकंड तक के वॉइस रिकॉर्ड करके ट्वीट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने एक वीडियो को भी शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि यह फीचर कैसे काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अनलॉक के फेज 2 में किन किन क्षेत्रों में और ज्यादा छूट मिलने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।